नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन आपकी क्या हो जाने वाली है? देखिए, मैं फंक्शन लिखता हूँ y इक्वल टू में x, ये मैंने x किसके अंदर रखा, बॉक्स के अंदर, ये बॉक्स के अंदर रखे हैं, तो ये डिनोट करता है किसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर को। मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ, आपका जो ये बॉक्स होगा ना, ये रिप्रेजेंट करेगा किसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, जिसे शॉर्ट में GIFP बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में GIFP बोले गए। अब यहाँ पर मैं बात करूँ ये क्या है, ये क्या है, तो मैं पहले डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से, ये जो है दिस गिव्स अस अ इंटीग्रल वैल्यू विच इज लेस देन और इक्वल टू, विच इज लेस देन और इक्वल टू x। मैंने क्या बोला, ये जो होगा बॉक्स के अंदर x आपको क्या देगा, इंटीग्रल वैल्यू देगा जो कैसी होगी, लेस देन और इक्वल टू x, x से छोटी या उसके इक्वल वैल्यू। यहाँ लिखना, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल लिखना, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू आपको देगा जो कैसी होगी, x से छोटी या उसके इक्वल। एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूँ, यहाँ पे मैंने लिखा बॉक्स के अंदर मान लो 2.3, तो 2.3 से छोटा या उसके इक्वल सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, 2.3 से छोटा या उसके बराबर सबसे बड़ा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसीलिए इसका नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 2.3 से छोटा या इसके इक्वल सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा बच्चों, 2 होगा, क्या ये 2 होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2। मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ 2, मैंने अंदर बिठाया 2, तो जब आपने अंदर 2 बिठाया होगा तो ये खुद इंटीजर है क्या, खुद इंटीजर है, तो इससे छोटा या इसके इक्वल इंटीजर सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 1.9 अगर मैंने लिखा होगा तो आंसर क्या आएगा, इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर, इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर वो क्या होगा, 1 होगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे 0.9, तो ये क्या देगा आपको, 0.9 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आएगी, 0 हो जाएगा। अब चलो, हमने पॉजिटिव में बात कर ली, 0 के फॉर्म में बात कर ली, अब नेगेटिव नंबर ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिया मान लो 2.3 की जब मैं बात करूँगा तो मैं बात करता हूँ इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर, 2.3 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर वो क्या होने वाला है, माइनस थ्री। एक चीज याद रखना मुझे, जब आप पढ़ते हो ना तो यहाँ से पॉजिटिव में तो इसका क्या कर देते हैं, इंटीजर पार्ट बाहर निकाल देते हैं, ये जो इंटीजर पार्ट होगा ना 2, ये बाहर निकाला मैंने, इंटीजर पार्ट था 2 बाहर निकाला, इंटीजर पार्ट क्या था 1 बाहर निकाला, 0.9 क्या बाहर निकाल दिया, 0। अब बच्चा कंफ्यूज कहाँ हो जाता है, जब ये आता है माइनस, वो डायरेक्टली क्या बाहर निकाल देता है, -2, वो डायरेक्टली क्या बाहर निकाल देता है, -2। आपको डेफिनेशन याद रखनी है, इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर वो क्या होगा, -3। डेफिनेशन से क्लियर है, इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या आया होगा, -3। राइट से मैंने लिखा -5.1 क्या बाहर आएगा, -5.1 से क्या बाहर आएगा, -6। ये बात आपको क्लियर होनी होगी, क्या ये समझ में आया होगा, आया समझ में। अब हम इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर की हमने डेफिनेशन देखी, कुछ एग्जाम्पल हमने देख लिए, आपको समझ में आया होगा कि इसे हम क्या बोल रहे हैं। अब इसके बारे ग्राफ के बारे में बात करते हैं, आप ध्यान से समझिएगा ग्राफ की, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए आज देखिए, अब हम बात करते हैं ग्राफ ऑफ जी आई। मैंने फंक्शन लिख दिया y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इधर हम x और y एक्सिस बना लेते हैं, x और y एक्सिस बना लिया हमने, ठीक है, ये 1, 2, 3, 4 क्लियर, 0, -1, -2,
इतने में हमारा काम हो जाएगा। अब देखिएगा, ध्यान से देखना, जब मैंने x को लिया हूँ कैसा, x को मैं ले रहा हूँ 0 से 1, x जब हो आपका कैसा 0 से 1, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कोई वैल्यू उठा के यहाँ डालें, यहाँ से कोई भी वैल्यू एक उठा के यहाँ डालें, आप 0.5 डालें, इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, 0.7 डालें क्या आएगा आंसर 0 आएगा, 0.9 अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे तो भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। मतलब जब कभी x एक से छोटा होगा तो 0 या 0 से बड़ा होगा, 0 के इक्वल या उससे बड़ा होगा, इसका हमें आंसर क्या मिलेगा, क्या 0 मिलेगा, इसका हमें आंसर क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। ये तो हमने आया था, मैं बात कर लूँ x को ले लूँ कहाँ से 1 से 2, x को लिया हो 1 से बड़ा या उसके इक्वल और 2 से छोटा, 1 से बड़ा या उसके इक्वल और 2 से छोटा, तो देखो 1.7 आंसर 1, 1.9 आंसर 1, 1.2 आंसर 1। आप जब भी 1 पॉइंट में 1 पॉइंट कुछ नंबर लोगे तो उसका आंसर क्या देगा, ये क्या 1 देगा, क्या क्या ये हमें आंसर में 1 देगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। जब मैं 1 डालूंगा तो भी आंसर क्या देगा 1, अगर मैं यहाँ 2 डाल देता हूँ तो 2 डाल देंगे किस पे शिफ्ट हो जाएगा, 2 पे चला जाएगा, तो यहाँ से मुझे आंसर मिला 1। अब जैसे ही मैं 2 पे पहुंचूंगा, एक्स को जैसे ही 2 लिया होगा और 3 से छोटा, ये बाय क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। और जब हमने अपने बातें करी नेगेटिव की बात कर लेते हैं, एक्स को मैं इस बार ले रहा हूँ देखो किससे छोटा 0 से छोटा, माइनस 1 या उससे बड़ा, माइनस 1 या उससे बड़ा, मतलब लेट से मैंने एक्स को लिया होगा क्या माइनस 0.7, माइनस 0.7 इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या है माइनस 1, मैं ले लूँ माइनस 0.9 क्या आएगा आंसर, माइनस 1 लिया रहेगा माइनस 0.1 क्या आएगा आंसर माइनस 1, मैं इससे रखता एज इट इज माइनस 1 तो भी आंसर क्या होता माइनस 1। तो मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है कि जब आपका एक्स माइनस 1 से 0 होगा तो आपका जो वाई होगा वो क्या हो जाने वाला है माइनस 1। क्लियर, यहाँ देखिए मैं ले लूँ माइनस 2 से माइनस 1, इस बार मैंने क्या दिया माइनस 2 से माइनस 1, अब आपको समझ में आ गई होगी बच्चों बात, यहाँ आंसर में क्या देगा आपको माइनस 2 देगा, जब आपने यहाँ पर डाला होगा वो कैसा होगा माइनस 2 से माइनस 1, तब आपका वाई कैसा आया होगा माइनस 2 आया होगा क्या, ये क्लियर है, ये बात क्लियर है, समझ में आया होगा। अब चलो इसे प्लॉट कर लेते हैं, इसे प्लॉट कर लेते हैं कि वाई में 1 लिया 2 लिया 3 लिया, इधर माइनस 1 ये माइनस, ध्यान से देखना। चलिए मैं बात करता हूँ x को मैंने लिया 0 से 1, x को 0 से 1, उस केस में आपको y क्या मिलता है 0 मिल रहा है क्या, जब कभी आपका x 0 से 1 चला होगा y क्या होगा 0, y क्या होगा 0, ये देखो y क्या होगा 0, 0 से 1 आपको 1 को इंक्लूड नहीं करना है, जैसे ही मैंने x को 1 लिया अंत तक क्या होगा 1, तो मैंने देखो यहाँ पे 1 को शामिल नहीं किया, जैसे ही मेरा ये बनाया 1 x को मैंने 1 लिया होगा तो y क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ये डार्क सर्कल का मतलब क्या होता है पॉइंट इंक्लूडेड, ओपन सर्कल क्या होता है पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया है। देखो मैंने यहाँ पे इस रेंज में y 0 होगा और मैंने x 1 को शामिल नहीं कर रखा है, इसलिए मैंने x 1 पे कैसा सर्कल बनाया ओपन, जैसे ही मैंने x को 1 लिया मेरा वाई क्या होगा 1 हुआ, तो देखो y 1 हो गया। अब जैसे ही 1 से 2 चलेंगे आप, ये देखिए 2 पे जैसे ही आप आएंगे 2 पे जैसे ही आप पहुंचेंगे y क्या मिल जाएगा 2, जैसे ही मैं 2 पे पहुंचाऊंगा y का वैल्यू क्या मिला मुझे 2 मिला। अब 2 से 3 के लिए बात करते हैं y कांस्टेंट फंक्शन की तरह चलेगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो पैरेलल होगी किसके x एक्सिस के, ये बन जाने वाला है, ये दिखा होगा आपको ऐसा कुछ बनेगा। चलिए अब इस रेंज की बात कर लूँ माइनस 1 से 0 में y क्या दे रहा है आपको, y क्या दे रहा है माइनस 1 और 0 को शामिल नहीं करना, ये देखो माइनस 1 से 0 में ये क्या दिया माइनस 1 दिया, माइनस 1 दिया, 0 को शामिल नहीं करना था इसलिए 0 पे ओपन सर्कल है। अब बात कर लेते हैं इस रेंज में, ये देखो ये माइनस 2 से माइनस 1, माइनस 2 को शामिल किया माइनस 1 को नहीं किया, वाई क्या है माइनस 2, ये दिखा होगा कि आपको फंक्शन का फोटो बना सकते हैं, अब हम फंक्शन का फोटो हम बना सकते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान देने की है
ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको, ये कैसा दिख रहा है? रेडियोज ऐसा दिख रहा है, स्टेप्स बन रही है क्या? रेडियोज ऐसा बन रहा है ना, स्टेप्स। तो इसे हम बोलते हैं, इसे स्टेप अप फंक्शन भी बोला जाता है। स्टेप अप फंक्शन, इसे स्टेप अप फंक्शन भी नाम दिया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेप अप फंक्शन। इस फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? स्टेप अप फंक्शन। क्लियर है बच्चों? लेकिन यहाँ तक आगे बात करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें इन्हें सॉल्व करना है, हमें क्या मिलेगा? रिटेंशन रिजर्व किसके इक्वल आ रहा है? वन के इक्वल आ रहा है। तब हमें किसका वैल्यू निकालना होगा? एक्स का। तब हमें क्या निकालना है? एक्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, रिटेंशन रिजर्व एक्स आपको दिया हुआ है, उसे किसके इक्वल? वन के इक्वल। अब मुझे फाइंड करना है ये एक्स कैसा होगा। जैसे कि हमने ग्राफ बनाया था, अगर आप ध्यान से देखें, हमने जब ग्राफ बनाया था उस केस में y का वैल्यू 1 के इक्वल कब आता था? ये y 1 कब आता था? देखो आपको अगर याद आ रहा हो तो ग्राफ ऐसा कुछ बनता था क्या? ग्राफ ऐसा कुछ बनता था, ये देखिए ऐसा कुछ आता था। तो ये ग्रेटर इंटीग्रल x 1 कब आ रहा था? जब x कैसा हो 1 से 2, 1 को शामिल करना है और 2 को शामिल नहीं करना है। तो यहाँ से मुझे दिखा होगा जो x होगा ना मेरा, वो कैसा होगा? 2 से छोटा होगा और 1 या 1 के इक्वल, 1 से बड़ा है उसके इक्वल। देखो इस रेंज में से x उठा के यहाँ कुछ भी डालें, आपका आंसर क्या आने वाला है? 1 ही आने वाला है क्या? ये आपको समझना है योगी क्या बात, ये बात आपको समझना है योगी क्या? क्लियर देख है। चलिए इस समय क्या लिख, x बिलोंग्स टू, लिख सकते हैं ऐसा चलेगा, क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक प्रॉपर्टी बना देता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं प्रॉपर्टी बना देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर x रखा क्या? x क्या है? कोई भी एक वैल्यू है, तो x जो होगा ना आपका वो क्या होगा? अगर मैंने ऐसा कुछ दिया है तो इसका जो आंसर आने वाला है ना, तो वो आंसर क्या आएगा? जो वैल्यू आपको दिया हुआ है वो इधर बैठा है और उससे एक बड़ा नंबर ओपन इंटरवल के साथ इधर बैठा है। कर सकते हैं क्या? सेकेंड क्वेश्चन, हम देखते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कैसा हो गया? जीरो के इक्वल। जीरो के इक्वल कब आता था ग्राफ आपका? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कैसा हो? जीरो हो। तो मुझे एक्स को क्या लिखना पड़ेगा? देखो वन से छोटा, इससे बड़े इंटीजर से छोटा और इससे इक्वल या उससे बड़ा। तो फाइनली एक्स बिलोंग्स टू क्या लिखा आपको? जीरो टू वन, ये वन पे ओपन इंटरवल आएगा क्या? समझ नहीं आई बात। थर्ड क्वेश्चन देखें, नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव को ध्यान से देखना है। माइनस टू, आंसर माइनस टू कब आएगा? एक्स कैसा होना चाहिए? देखो यही दो ग्रेडिएंट लगने वाले हैं आपके इनइक्वालिटी के साथ, ये दोनों ही आने वाले हैं। अब मैं इधर क्या बिठाऊँ और इधर क्या बिठाऊँ, ध्यान से समझना। इधर क्या बिठाना होगा? माइनस वन। जैसे ही माइनस वन से क्या जाता है? छोटा, मतलब माइनस वन पॉइंट वन। अगर ये इसके अंदर बैठा होगा क्या आंसर आएगा? माइनस टू आएगा। जानते हैं कि अब इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर, इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा? माइनस टू होगा, माइनस टू ही होगा। और इधर क्या बिठाएंगे? माइनस टू। देखो माइनस टू तक कोई भी वैल्यू बिठाओ, इसके अंदर सब जगह आंसर क्या मिलेगा? माइनस टू ही मिलेगा। ये बात आपको क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्स क्या दिया हुआ है आपको? तो हम कर चुके हैं। फोर क्वेश्चन नंबर फोर, में क्या दिया हुआ है? माइनस फाइव। इस बार माइनस फाइव आया तो सेम आपको फिर से क्या करना है? इधर क्या बैठेगा? जब माइनस टू की बात हुई थी तो माइनस टू से एक बड़ा, मतलब माइनस फाइव से एक बड़ा, माइनस फोर। और इधर क्या आ रहा है? माइनस फाइव। समझ में आया होगा आपको, ये भी क्लियर हुआ होगा क्या बच्चों? अब ऐसा कुछ हमें दिख जाए तो हम क्या ये एक्स का रेंज बता सकते हैं, बता पाएंगे हम? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आपको किसके इक्वल दिया हुआ है? पाई के इक्वल। पाई क्या होता है आपका? 3.14 या 22/7। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हमें दिया है किसके इक्वल? पाई के इक्वल। अब हम जानते हैं ये जो हमें आंसर में देता है ना, तो ये आंसर में क्या देता है? इंटीग्रल वैल्यू। ये आंसर क्या देता है? इंटीग्रल वैल्यू। ये तो इंटीजर हुआ और ये क्या हुआ? 3.14। कैसे दोनों कभी इक्वल हो पाएंगे? क्या कोई इंटीजर 3.14 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू 5। कोई आंसर
पॉसिबल नहीं है, इसका कोई आंसर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर सिक्स, इनइक्वालिटी आ गई। ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू आएगा वो कितना होना चाहिए बच्चों, 0 से बड़ा, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए 1, मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए 1, और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। पॉजिटिव इंटीजर चलेंगे मतलब सारे पॉजिटिव इंटीजर आप आंसर में ले सकते हैं। तो देखो x कैसा होगा, अपर लिमिट की बात करें तो इधर तो कोई रेंज ही नहीं होगी, बस मुझे देखना है लोअर, मुझे आंसर क्या मिल जाए, मिनिमम वैल्यू क्या मिल जाए 1, तो यहाँ क्या बिठा दिया होगा मैंने 1 बिठा दिया होगा, क्योंकि मैं जैसे ही 1 से छोटा अगर x को लेता हूँ ना, जैसे मैंने 0.9 लिया, जब आप इसमें 0.9 डालेंगे आंसर क्या आएगा 0, क्या वो 0 से बड़ा होगा, नहीं होगा, इसलिए आपको मिनिमम वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 1, या 1 डालें आंसर 1, 1.1 डालें आंसर 1, 1.9 डालें आंसर 1, 2.7 2, सब कुछ चलेगा क्या। तो फाइनली यहाँ से मुझे x क्या मिला 1, 2, 3, 5, बात क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 कर चुके हैं, हम 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें, इस बार 4 से छोटा होना है ना भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन 4, तो मुझे दिखा इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा भाई, इसका 4 से छोटा होना चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 3, जो इंटीजर होगा ना वो मैक्सिमम आप क्या ले सकते हैं 3 ले सकते हैं, 3 से बड़ा इंटीजर आप नहीं ले पाएंगे। तो देखो मुझे x लिखना है, x के इधर क्या लगाऊं, इस साइड पे क्या लिखना पड़ेगा 4, देखो मैंने 4 लिखा होगा तब कोई भी नंबर मैंने दिया जो 4 से छोटा हो 3.9 आंसर 3, 3.7 आंसर 3, और लोअर लिमिट तो कुछ है ही नहीं, लोअर लिमिट तो कुछ ही नहीं, माइनस का भी ले सकते हैं आप इसे, -1, -2, -3 कुछ भी नहीं, सब कुछ चलेगा क्या। तो सिंपली मुझे यहाँ से आंसर क्या मिला, x इज लेस देन 4, तो फाइनली x का आंसर जो होगा आपका क्या होगा -∞ से ये 4, और 4 पे कैसा ब्रैकेट आया बच्चों देखो, ओपन ब्रैकेट, 4 को इंक्लूड नहीं किया, अगर मैं 4 को इंक्लूड करता यहाँ 4 डालता आंसर क्या आ जाता हमारा 4 आ जाता, क्या आंसर क्या आ जाता हमारा 4 आ जाता। यहाँ से देखिए एक और क्वेश्चन है, मान लो इस क्वेश्चन को ऐसा बना दो लेस देन इक्वल टू 4, इस बार मुझे 4 भी लेना है, इस बार मुझे 4 को भी शामिल करना है, तो मुझे क्या ये देखो 4 से छोटा मतलब 3 तक तो हमारा काम हो ही गया, जब आपको 4 को भी शामिल करना है तो आप x को क्या यहाँ 4 भी बिठा सकते हैं, इधर मैं 4 भी ले सकता हूँ, क्या ये समझ में आया, 4 को शामिल कर सकते हैं क्या, मैं 4.2 ले सकता हूँ डालेगा यहाँ, सॉरी यहाँ 4.2 डालें आंसर 4 आएगा, क्या मैं 4.9 डाल सकता हूँ 4.9 डाला होगा तभी क्या आया 4 आया होगा, तो मुझे पता लगा ये जो सारे आंसर आ रहे हैं ना ये कहाँ तक आ रहे हैं 4.9 कोई भी ले सकता है, तो जस्ट मुझे क्या लेना होगा 5 से छोटा इंटीग्रल, 5 से जैसे ही मैंने छोटा लिया होगा थोड़ा सा छोटा 4.999 कुछ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा क्या। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 की बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 5, फाइनली आप डायरेक्टली एक्स लिख पाएंगे क्या, इधर तो -∞ और उधर क्या बिठा दूंगा बच्चों में 6, समझ में आया होगा, तो इसका आंसर क्या लिख दिया होगा हमने -∞ to 6 पे ओपन ब्रैकेट, 6 पे ओपन ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 9 अब देखेंगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लूँ, क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दिख रहा है, चलिए माइनस वाली वैल्यूज भी है, इस बार x इज लेस देन -3, x लेस देन -3, तो देखो -3 से छोटा, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आने वाला है ना बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू वो क्या आने वाला है -4 या उससे छोटा ही आपका आंसर पॉसिबल है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x का -4 या उससे छोटा इंटीग्रल वैल्यू से आप आंसर में लिख पाएंगे। तो देखो मुझे -4 लेने के लिए x को कैसा लेना पड़ेगा -4 के लिए, लोअर लिमिट तो आपको समझना ही होगी -∞ तक चलेगा,
छोटे के लिए माइनस फोर मुझे कब मिलता है, माइनस फोर मुझे कब मिलता है, जब मेरा नंबर थ्री से जस्ट छोटा आ जाए, ये देखो माइनस फोर माइनस थ्री, थ्री से जस्ट छोटा आ जाए माइनस थ्री पॉइंट वन, फिर यहाँ डाला होगा या माइनस फोर आंसर आएगा, तो मुझे यहाँ क्या लिखना है, माइनस थ्री। तो फाइनली आपका इसका आंसर कैसा आया बच्चों, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस थ्री, ये हुआ होगा आपको। बाकी दो बच्चे वो क्वेश्चन आप कर पाएंगे, दो बच्चे वो क्वेश्चन आप कर पाएंगे, क्लियर, लिखें फटाफट। नेक्स्ट जी आई एस की प्रॉपर्टीज देखते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप आ जाइए बच्चों, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैं क्या लिखा हूँ, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मैंने x प्लस माइनस i ऐसा कुछ बिठाया, जहाँ पे ये जो i होगा ना बच्चों आपका, ये होगा इंटीजर पूर्णांक, ये कोई पूर्णांक होगा, ये कोई पूर्णांक मान होगा, तब इसका जो आंसर आने वाला है आपका, वो आने वाला है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस, ये जो पूर्णांक है ये जी आई एस से कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। एग्जाम्पल इसे समझते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे लेट से 2.7 प्लस 5, 2.7 प्लस 5, देखो 2.7 लिखा हुआ है x प्लस एक इंटीजर पूर्णांक मान लिखा हुआ है क्या, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका जो आंसर आएगा ना आप जानते हैं ये क्या हो गया, 5 प्लस 2.7 7.7, ये क्या है 7.7, हम जानते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है बच्चों, 7 आने वाला है क्या, इसका आंसर 7 आएगा। अब देखो इससे मैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व करूँ, तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमारी, आप क्या कीजिए, जो ये इंटीजर दिख रहा है ना इसमें, इस इंटीजर जी आई एस से बाहर निकाल दीजिए, मतलब कोई भी अगर प्योर इंटीजर जी आई एस के अंदर बैठा हुआ है तो हम उसे बाहर निकाल सकते हैं, साइन एडिटेड आ जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा जी आई एस के अंदर 2.7 दिया है, अब 2.7 का जी आई एस क्या होगा, 2 होगा, फिर 2 प्लस 5 क्या जाने वाला है, फाइनल 7, बात समझ नहीं होगी आपको। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई वेरिएबल प्लस माइनस कोई इंटीजर आपको दिख रहा है, कोई इंटीजर आपको दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इंटीजर को बाहर निकाल सकते हैं, कहाँ से, जी आई एस से बाहर आप निकाल सकते हैं, बात समझ में आएगी बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2 आप ध्यान से देखिएगा, मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा, तो ये जो x होगा ना बच्चों ये कैसा होगा, ये छोटा होगा किससे, x, और बड़ा होगा किससे, x माइनस 1 से, हमेशा x के इक्वल या उससे छोटा, और x माइनस 1 से बड़ा या उसके इक्वल होगा, क्लियर। देखें एग्जांपल में देख लेता हूँ, एग्जांपल लेट से मैंने लिया, क्या लिखूँ मैं x को, लेट से आपने लिया होगा 2.7, तो मैंने यहाँ पे बिठाया ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2.7, ये किससे छोटा है, इक्वल होगा 2.7 से छोटा उसके इक्वल, और इधर क्या आ जाने वाला है 2.7 माइनस 1 मतलब 1.7, ये देखें 1.7, इसका आंसर 2 कैसा आ रहा है, 2.7 से छोटा है उसके इक्वल या 1.7 से बड़ा, क्लियर है क्या। तो ये भी आप समझ सकते हैं, कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x और ग्रेटर देन x माइनस 1, क्लियर है क्या, या ये आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं इसे, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, थर्ड इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रहा x ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया आपने जी आई एस और माइनस x का जी आई एस लिया, इनका जो आंसर आने वाला है, इनका जो आंसर आने वाला है वो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, 0 एंड माइनस 1, मैं लिख रहा हूँ x बिलोंग्स टू इंटीजर, x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए जब x इंटीजर होगा ना तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, जब आपका x नॉन इंटीजर होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस 1, मतलब मैंने क्या किया होगा, देखो इस df के अंदर अगर आपने इंटीजर डाला तो आंसर 0 आएगा और नॉन इंटीजर अगर डाला है तो आंसर माइनस 1 आएगा। देख लेते हैं एग्जांपल, लेट से एक बार के लिए x को मैंने 2 लिया होगा, 2 लिया होगा तो ये क्या बनेगा, देखो 2 प्लस में माइनस ऑफ 2 दैट्स गेटिंग, ये क्या आएगा, ये क्या दिखेगा आपको, 2 प्लस ये क्या दिखेगा, माइनस 2, फाइनली आंसर
जीरो आने वाला है, बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट मैं एक्स को ले लेता हूँ, लेट से 2.3, अब चलो इसमें वैल्यू डालता हूँ 2.3 प्लस माइनस हो 2.3, तो 2.3 का जी आई एफ 2 प्लस माइनस 2.3 का जी आई एफ माइनस 3, क्या लिखा मुझे 2 - 3 फाइनली आंसर माइनस 1। ये क्लियर हुआ होगा क्या आपको? तो आप कुछ ध्यान क्या देना है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x ये हुआ है, x का जी आई एफ प्लस माइनस x का जी आई एफ ये हुआ है, जब अंदर मैंने इंटीजर डाला होगा, जब जी आई एफ के अंदर इंटीजर डाला होगा तो आंसर क्या आएगा 0, जब नॉन इंटीजर डाला होगा तो आंसर क्या आएगा माइनस 1, तब आंसर क्या आएगा माइनस 1। क्लियर है, कर सकते हैं। एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो आप उसे, और मैं लिख भी सकता हूँ ऐसे, देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 4। चलिए मैंने लिखा लेते हैं x प्लस वाई, दो वेरिएबल दिए हैं एक x और एक y, तो मैं क्या बोलूँगा, ये जो होगा ना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस 1 से, किससे छोटा होगा किससे बड़ा होगा। लेट से मैंने लिखा 2.7 प्लस 3.2, ऐसा कुछ ले रहा हूँ मैं। चलिए ये कितना आ रहा है ओवरऑल, 2.7 प्लस 3.2 कितना हुआ 5.9, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आया 5.9, इसका आंसर क्या आने वाला था 5 आने वाला था। अब इसके अकॉर्डिंग देखें हम तो इधर क्या है, देखो 2.7 का जी आई एफ 2, 3.2 का जी आई एफ 3, क्या आया 3। क्लियर है, इधर देखें इधर क्या आया है 2.7 का जी आई एफ 3.2 का जी आई एफ 2 + 3 + 1, तो इधर क्या आ जाएगा कुछ इक्वेलिटी, इधर क्या लगा देंगे हम इक्वेलिटी। ये बात आपको समझ में आई होगी क्या, इस टाइप से भी हम देख सकते हैं कैसे, इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं क्या। अब बात कर लूँ मैं इन इक्वेलिटी, है ना, इन इक्वेलिटीज में आपको सॉल्व करवा चुका हूँ क्वेश्चन में, उन्हें एज अ प्रॉपर्टी हम बना लेते हैं ना, असमीकरण इन इक्वेलिटी असमीकरण। लेट्स से मैंने लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन n, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ n क्या है हमारा इंटीजर है। अब इसे मैं सॉल्व करने के लिए देखो इसका जो आंसर होगा ना, यहाँ पे देखेंगे हम, मैं इसको एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। लेट्स से मैंने लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 4, नंबर लाइन बना लें 3 4 5, ऐसा कुछ होगा। मुझे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x चाहिए वो कैसा चाहिए, 4 से बड़ा, चार से बड़ा मतलब इंटीग्रल वैल्यू होगा 5, 6, 7, कुछ भी मिल सकता है, मुझे 5 भी मिल सकता है, 6 भी मिल सकता है, 7 भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है क्या। तो आपको जो x लेना होगा ना बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बड़े आराम से, आपको x जो लेना है वो 5 या 5 से बड़ा लेना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे x लिया होगा, मान लो 4.5 मैंने कुछ लिया, तो मैंने यहाँ 4.5 जैसे ही डाला होगा मुझे आंसर में क्या मिलेगा, और वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्लियर है क्या, समझ आ रही होगी बात। तो यहाँ पे x को क्या लिखना पड़ेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो अगर ऐसा केस कुछ आपको मिलता है तो आप यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे इसका, x ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1, लिख सकता हूँ क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1। ये बात क्लियर हुई होगी आपको एग्जाम्पल से। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे दिया जाता ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू n, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो मैं क्या करता, देखो मैंने लिया लेट्स से ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इस बार क्या 4 भी आपको चलेगा, 4 भी आपको चलेगा, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x 4 या 4 से बड़ा कुछ भी लें आप आंसर में आ जाएगा आपका। तो इस केस में मैं आंसर क्या लिख सकता हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू n, बात समझ में आई होगी आपको। इसी टाइप से बाकी लेस देन के लिए भी बन जाए, कि लेस देन के लिए बना चले, इसे आप a डाल लें, इसे b डाल लें, c पार्ट में ले रहा हूँ, ग्रेटर इंटीजर x लेस देन n, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो मैंने n लिखा है, लेट्स x
इज लेस देन 3, 3 या 3 से छोटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। मैं यहाँ पे इसको क्या लिखूंगा, लेस देन 3, इनसे छोटा ही लेना पड़ेगा, इनसे छोटा ही लेना पड़ेगा, तो आप इसे क्या लिख देंगे, x लेस देन n, वैसे ही इक्वल के लिए बना सकते हैं, क्लियर है, ये लिखें फटाफट से आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर पे क्वेश्चन लेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, लिखें फटाफट से।